Dear students and viewers, assalamu alaikum. I welcome all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic, that is transfer of energy in a food chain. तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे हम ये देखेंगे फूड चैन जो है इसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होती है. तो जब फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, इस फूड के साथ या इस एनर्जी के साथ क्या होता है. सारा एनर्जी का जो पूरा जो ये जो एनर्जी है ये पूरी तरीके से ट्रांसफर होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में, या इसकी डिसिपेशन होती है या ये लॉस होता है एटमॉस्फेयर में. एक्चुअली आज हमें यही पढ़ना है. तो फूड एनर्जी फूड चैन जो है, सबसे पहले हम देखेंगे जो फूड चैन है ये हमें क्या दिखाता है. फूड चैन शोज एज द स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड फूड कंटेंट इन ए स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी कंटेंट इन ए फूड. यानी किसी भी फूड या किसी भी फूड फॉर्म में या किसी भी सब्सटेंस में जो फूड होता है, जो कंजप्शन का प्रोडक्ट होता है या जो एनर्जी होता है, ये इसी के बारे में हमें बताता है. अगर हम देखेंगे फूड चैन में जो पहला स्टेप होता है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ये अपना गुजा खुद बनाते हैं. और कैसे बनाते हैं, बाय द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमें पता ही है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब भी प्रोड्यूसर्स एक्चुअली अपना फूड बनाते अपना ये बनाते हैं गुजर, ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये एक्चुअली क्या करते हैं, जो ये सनलाइट एक्चुअली रिसीव करते हैं, इस सनलाइट में अगर ये 100 जूल्स ऑफ एनर्जी सनलाइट से इस्तेमाल यू ऑब्टेन करते हैं, इसका सिर्फ 10 जूल इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड, पहला स्टेप. दूसरे स्टेप में क्या होता है, हर्बीवोर. हर्बीवोर जो होता है, हर्बीवोर हम उसको कहते हैं जो कि प्लांट्स को खाता है, या इसको हम कंज्यूमर भी कहते हैं. ये जो कंज्यूमर है, ये प्लांट जो ये प्लांट खाता है यह पूरी तरीके से इस गुजा को खाता है, ठीक है, मगर इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ये सिर्फ 10 जूल्स कहती है, सिर्फ 10 जूल, यानी कि 10% एनर्जी है ऑब्टेन करती है किससे, इस प्लांट से. इसके बाद जो कार्निवोर है, जो इस हर्बीवोर को खाता है, ठीक है, या ओमनिवोर हम ये कहेंगे, वो भी क्या करता है, वो भी एक्चुअली 10% ही इस्तेमाल करता है. तो हमें यहां पर एक बात का ख्याल रखना है कि हर एक लेवल में क्या होता है, जो एनर्जी है ये एक्चुअली क्या होती है, ये सिर्फ ट्रांसफर होती है एक फार्म से दूसरे फार्म में. फॉर एग्जांपल यहां पे सनलाइट आ गई, यहां पे गुजा बनाया इन लोगों ने, यही सनलाइट इसमें चली गई नेक्स्ट फॉर्म में इन इट्स फूड फॉर्म या इन इट्स प्लांट फॉर्म, इसमें यही एनर्जी आ गई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस हर्बी इन दिस एनिमल फॉर्म और इन अनदर फॉर्म. एक्चुअली जो एनर्जी है, एनर्जी सिर्फ इकोसिस्टम में एक फार्म से दूसरे फार्म में ट्रांसफर होती है, सिर्फ एक फार्म से दूसरे फार्म में ट्रांसफर होती है. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे लाइट एनर्जी जो सन से आती है, ये इट गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस है, ये लाइट एनर्जी को इसने कन्वर्ट किसमें किया, केमिकल एनर्जी. इसी केमिकल एनर्जी को बैच में हर्बीवोर ने खाया और हर्बीवोर को बैच में कार्निवोर ने खाया. इस तरीके जो एनर्जी है, इट गोज फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फॉर्म. और दूसरा क्या है इसमें, कि जो एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, देयर ऑकर्स द कंटिन्यूम और कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी जो है ये कंटिन्यू ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, इट नेवर स्टॉप्स, इट गोज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. हम ये कहेंगे कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स को एक्चुअली हर्बीवोर ने खाया, ठीक है, लाइक डियर को कार्निवोर ने खाया. और इस तरीके से क्या होता है, जो एनर्जी है ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है. और अगर हम ये देखेंगे कि हर एक लेवल में ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है. और कुछ एनर्जी एक्टिविटी क्या होती है, ये एनवायरमेंट में लॉस भी होती है. पार्ट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज यूटिलाइज्ड फॉर देयर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज. और यही एनर्जी बेहद में जब ये मतलब फॉर एग्जांपल प्लांट मरता है, हर्बीवोर मरता है, कार्निवोर मरता है, ये एनर्जी बेहद में डिकम्पोजर्स में भी ट्रांसफर होती है. तो हम ये देखेंगे कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है और इसी एनर्जी को बेहद में मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो हम ये कहेंगे लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इनटू एनवायरमेंट ऑकर्स. तो हर एक स्टेप में जो कुछ एनर्जी जो है ये यूज होती है, कुछ एनर्जी जो है ये लॉस होती है, कहां पे, एटमॉस्फेयर में. इस तरीके से हम ये कहेंगे कि जो ये फ्लो ऑफ मटेरियल्स होता है, या जिसको हम फूड चैन कहते हैं, फूड चैन ये क्या है, इट इज ए साइक्लिक चैन एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. यहां पर जो मतलब यहां पे अगर हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स
ये सन से अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, अपना गुजा बनाते हैं, इनको हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर को कार्निवोर खाता है, कार्निवोर कल को मरता है, ठीक है। जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इसकी कंपोजिशन, वो किस में जाती है, जमीन में जाती है, इसी को बेहद में फिर से प्लांट इस्तेमाल करते हैं, फिर से वो गुजा बनाते हैं, फिर से उनको खाते हैं, फिर जो उनको खाते हैं उनको खाया जाता है, फिर से इस तरीके से जो ये फ्लो ऑफ मटीरियल है, इको, ये साइकिलिक है। मगर जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, यानी एनर्जी कार्निवोर से हर्बीवोर में वापस नहीं जाएगी, हर्बीवोर से प्रोड्यूसर में वापस नहीं जाएगी, ये सिर्फ प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में जाएगी, हर्बीवोर से कार्निवोर में जाएगी, कार्निवोर से डिकम्पोजर में जाएगी, सॉयल में जाएगी, वापस ये नहीं जाएगी, इट्स नॉट, इट्स ऑनली यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है किसमें, इको सिस्टम में, ये देखा गया है, बेसिकली इट फॉलोज ए लॉ दैट इज कॉल्ड एज ए 10% लॉ, दैट इज कॉल्ड एज ए 10% लॉ, यानी जो भी एनर्जी का फ्लो होता है, जो भी एनर्जी का फ्लो होता है, जो भी ये कंजप्शन होता है ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, यहां पर क्या देखते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जाम्पल 100 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी, फॉर एग्जाम्पल सन ने प्लांट को 100 जूल ऑफ एनर्जी सन रे सनलाइट दी, तो जो प्रोड्यूसर है ये इट ओनली यूजेस 10% ऑफ द इट्स एनर्जी, सिर्फ 10%, ये सिर्फ 10 जूल इस्तेमाल करेगी, बाकी कहां जाएगी, एटमॉस्फेयर में। जब प्रोड्यूसर को हर्बीवोर खाएगा, ये भी सिर्फ 10% इसका खाएगा, बाकी कहां पे जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 10% लॉ, विच स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल, इनकेस ऑफ फूड चेन ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल, रेस्ट गोज इन टू द एटमोस्फियर, जो बाकी एनर्जी वो कहां जाती है, वो एटमोस्फियर में जाती है एज द फॉर्म ऑफ हीट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, हैव अ नाइस डे।